हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ के कुंजी, HOD CDDM, GWPC, अजमेर, राजस्थान। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कोलाज वर्क, जो कि फैशन इलस्ट्रेशन थर्ड ईयर में आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। ये आपको थियोरेटिकल नॉलेज देगा और इसके पार्ट टू के वीडियो में मैं आपको कोलाज वर्क प्रैक्टिकली करना बताऊँगी। कोलाज वर्क, जैसा कि आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा होगा, एक फ्रेंच वर्ड है जो कि सिग्निफाई करता है टू स्टिक और टू पेस्ट द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ग्लू, यानी कि पेस्टिंग मटेरियल की सहायता से अपने आइडियाज़ को किसी शीट पर या किसी भी ऐसे मटेरियल पर प्रोड्यूस करना, जो कि हम पेस्टिंग टेक्निक के सहारे अपने आइडियाज़ को प्रोड्यूस कर सकें। इट्स अ टेक्निक ऑफ आर्ट। ये एक आर्ट क्रिएशन यानी कला को दर्शाने की एक ऐसी टेक्निक है जो कि मुख्यतः विजुअल आर्ट्स या जो कलाएं हमें दिखाई देती हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है। इस टेक्निक में डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करके डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स और फैशन इलस्ट्रेशंस में यूज़ किया जाता है। मुख्यतः इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है कोलाज वर्क करने के लिए, उसमें मैगजीन्स, ओल्ड मैगजीन्स के न्यू पेपर्स, ग्लेज्ड पेपर्स, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स, रिबिन्स, पेंट्स, बिट्स ऑफ कलर्ड और हैंडमेड पेपर्स, यानी कि कलर्ड और हैंडमेड पेपर्स, या पोर्शंस ऑफ अदर आर्ट वर्क और टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स या अदर ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। पर वो पर्टिकुलर उस जो आपका क्रिएटिव आस्पेक्ट है या जो कि आपका इंस्पिरेशन थीम है, जिस थीम पर आप काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा मटेरियल उसको कोरिलेट करना चाहिए। फैशन कोलाज के बारे में जब हम बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि फैशन डिज़ाइन कोलाज कैन बी अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यानी कि जब फैशन फील्ड में कोलाज वर्क की बात करते हैं तो ये एक आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम देता है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। एट दिस स्टेज इट कैन बी मेड यूजिंग फोटोग्राफिक इमेजेस, इसमें आप फोटोग्राफिक इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, पेपर्स, हैंडमेड शीट्स, कलर्स, फैब्रिक्स, स्वेचेस को यूज़ करके, मैगजीन्स की क्लिपिंग्स को यूज़ करके, दूसरे स्केचेस को यूज़ करके, और वो आपके थीम को कोरिलेट करते हुए होने चाहिए। और एक प्रोजेक्ट का रूप जो आप देना चाहते हैं वो उन सब चीज़ों को कंप्लाई करने चाहिए, यानी कि उन सब चीज़ों से जुड़ते हुए होने चाहिए। मटेरियल्स यूज्ड फॉर कोलाज वर्क, जब हम देखते हैं कि हम कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं कोलाज वर्क में, तो उसमें आप बटन्स हैं, कलर्ड सेल फिन्स हैं, कन्फेटी हैं, क्राफ्ट फोम शीट्स हैं, क्रेयॉन शेविंग्स हैं। क्रेयॉन शेविंग से मतलब है कि जो हम पेंसिल कलर्स या जो भी क्रेयॉन कलर्स हैं उनकी जो छिलके होते हैं, शेविंग्स, दैट मीन्स शेविंग्स, जो छिलका उतरता है उनका, उन सब चीज़ों को, फैब्रिक्स को, फैंसी नैपकिन्स और इतने जो भी आपको आइडियाज़ अपने एक्सप्रेस करने के लिए, आप इमेंस आइडियाज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं कोलाज वर्क में। कोई इसमें ऐसी लिमिटेशन नहीं है। हाउ टू मेक अ कोलाज, जब आपको कोलाज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सिलेक्ट फोटोज़ को सिलेक्ट करिए, chose photos with a theme to make use of storytelling part, जो आपका आइडिया है उसको टेल करना यानी उसको बताने के लिए थीम बनाइए, उन फोटोज़ को अरेंज करिए, लेआउट सेलेक्ट करिए, उन फोटोज़ को एक साथ अपनी स्टोरी को टेल करने यानी बताने के लिए, अपने थीम, अपने प्रोजेक्ट, अपने आइडियाज़ को डिज़ाइनर्स के रूप में बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए उसको पूरा थीम वर्क के रूप में तैयार करिए। बॉर्डर्स को कस्टमाइज़ करिए, कलर्स ऐड करिए, पैटर्न्स, टेक्सचर्स टू एनहांस योर वर्क, और उसमें फिर टेक्स्ट ऐड करिए, यानी कि जो भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं डिज़ाइन के आप डिटेल्स, वो आप टेक्स्ट फॉर्म में यूज़ करिए, तब एक अच्छा कोलाज आप इस्तेमाल करना
आपको आ जाएगा। टाइप्स ऑफ कोलाज वर्क, कोलाज वर्क कितनी तरह के हो सकते हैं। फोटो कोलाज हो सकता है, इसमें आप फोटोग्राफ्स को अरेंज कर सकते हैं। मैगजीन कोलाज हो सकता है, मैगजीन से रिलेटेड जो भी आप मटेरियल अपने डिज़ाइन में सैम्पल करना चाहते हैं वो मैगजीन से ले सकते हैं। फैब्रिक कोलाज यानी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं अपने कोलाज में। पेंट्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ कर सकते हैं अपने कोलाज वर्क को, अपने थीम को बताने के लिए। कोलाज विद वुड, वुड से भी आप कोलाज कर सकते हैं। डिजिटल कोलाज यानी डिजिटल फॉर्म में आप अपने कोलाज को तैयार कर सकते हैं। चाहे आप उसमें डिजिटल डिज़ाइनिंग की मदद लेना चाहें वो भी आप एक कोलाज वर्क के रूप में उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थ्री डायमेंशनल इफ़ेक्ट का कोलाज यानी कि थ्री डायमेंशनल रूप में भी आप कोलाज वर्क अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी एक टाइप होगी आपके कोलाज वर्क की। ये आप देख सकते हैं कुछ स्लाइड्स जिसमें कि कोलाज वर्क के आइडियाज़ आपको दिखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट चीज़ों को लेकर, डिफरेंट थीम्स को और डिफरेंट फोटोग्राफ्स को लेकर एक स्टोरी टेलिंग की कोशिश की गई है। इस वीडियो से आप लोग इसका थियरी पार्ट देखिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। थैंक यू।